आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं दिल हेलो गाइस हेलो फ्रेंड्स हेलो यूट्यूब फैमिली आप सभी का स्वागत है वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर और आज मुझे आप किसी अलग अवतार में देख रहे हो आई नो आज हम जो जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ और प्लीज़ इग्नोर करिएगा और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है स्किन रूटीन विंटर्स इन विंटर्स ओके तो विंटर्स में हम अपनी स्किन को बहुत हेल्दी बहुत ग्लोई और यू नो यू नो पिंकिश ग्लो कैसे करके ला सकते हैं यार विंटर में और पता है सबसे ज़्यादा पॉसिबल विंटर्स में ही होता है अपनी स्किन को बहुत केयर देने का बहुत बहुत नरिश रखने का तो वो सारी चीज़ें हमारी बहुत ईजीली हो जाती हैं लेकिन हम तो भाई इंडियंस हैं हमको तो अपना मतलब हम दूसरों के लिए सब कुछ करेंगे लेकिन अपने लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे और इस्पेली जो घर की हमारी जो लेडीज़ हैं जो जो बहनें हैं मम्मी भाभी ये सब लोग क्या करते हैं ना ये बिल्कुल भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो इन विंटरों में मैं चाहती हूँ कि आप सभी को सुंदर बनाना है मुझे विंटर्स में मैं चाहती हूँ सभी पिंकिश ग्लो सभी की चीक्स पर आए ऐसे जैसे आज मेरे आ रहा है क्योंकि देखिए सी मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है नथिंग मैंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ है हाँ बट मैंने लिपस्टिक यूज़ की हुई है और मैंने आ, ये क्या बोलते हैं यार मशकारा मशकारा लगाया हुआ है बिकॉज़ आई लव मेकअप इसलिए मैं मेकअप वगैरह में ये दो चीज़ें जो होती हैं जो मैं सबसे ज़्यादा कैरी ऑन करती हूँ वो ये दो चीज़ें हैं तो इसको तो भाई मैं अवॉइड नहीं अवॉइड नहीं करूँगी यहाँ पर लेकिन इसके अलावा आप देख सकते हैं मैंने कोई कोई भी मेकअप नहीं किया हुआ नथिंग कुछ भी नहीं है ओनली मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है और तो आज जो मैंने यूज किया है और जिससे मेरे को रिजल्ट मिला है विंटर्स में मैं चाहती हूँ वो आप सभी के साथ भी करूं ठीक है बहुत ज्यादा बातें हो गई अब स्टार्ट करते हैं ठीक है सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे डे से क्योंकि हम डे से ही सारी चीजें खराब कर देते हैं फिर नाइट की तो बात ही छोड़ो क्योंकि नाइट तक तो हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो आज जाकर बस सोना होता है और कोई काम नहीं होता हमारे पास कम टू द पॉइंट नाउ तो सबसे पहले हमने पानी पी लिया पंद्रह मिनट बाद हमने जो भी चाय पिया वो पी लिया ठीक है अब हम हम उसके बाद क्या करते हैं कि हम फ़ेस वॉश या फिर नहाने के लिए जब हम जाते हैं तो हम उस चीज़ को बिल्कुल वो जो हमारे कुछ छोटे छोटे टिप्स होते हैं ना जिनको हम बिल्कुल ही नेगलेक्ट कर देते हैं वो हमें नेगलेक्ट नहीं करने हैं ठीक है यहाँ पर हम जब आ, अपना फेस वॉश करते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपना जो फेस वॉश है वो पैराबिन फ्री रखिए यार ठीक है मतलब कि वो कोई ऐसा नहीं होना चाहिए अपनी स्किन के टेक्सचर के अकॉर्डिंग यानी कि अगर आपकी ड्राई स्किन है तो उसके लिए आप फेस वॉश यूज़ करिए कोई भी क्रीमी फॉर्म में जो आते हैं वो आप फ़ेस वॉश यूज़ कर सकते हैं और अगर आपकी पिंपल प्रोन स्किन है तो उसके लिए आप आ, कोई ऐसा फेस वॉश जिसमें कि आपको पिंपल्स से भी आ, मतलब पिंपल एक्ने वगैरह ये भी ना हो उसमें टीटरी वगैरह या फिर ऐसी चीज़ें कुछ होनी चाहिए तुलसी टीटरी नीम एक्सट्रैक्ट ये सारी चीज़ें होनी चाहिए ठीक है और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो यार उसके लिए तो कहने की जरूरत नहीं ऑयली स्किन के लिए तो इतने सारे फेस वॉश हैं आप क्लीन एंड क्लियर यूज़ कर सकते हैं आप टीटरी वाला भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है बहुत अच्छी रेंज मामा अर्थ में मिल जाती है इस टाइप के फेस वॉशों की तो मैं भी जो यूज करती हूं तो मैं जाती हूं अपने फेस वॉश मामा अर्थ की साइड ये मामा अर्थ का फेस वॉश टीटरी मेरे को तो सूट होता है आई होप जो ऑयली स्किन है या फिर एक्ने प्रोन स्किन है या फिर नॉर्मल स्किन है उन पर भी अभी ये बहुत अच्छा जाएगा और इसमें वैसे ऐसा नहीं है ये सारी इसमें लिखा हुआ है कि ये और स्किन टाइप है ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते मतलब कि ड्राई स्किन भी इसको यूज कर सकती है ड्राई स्किन ऑयली नॉर्मल स्किन ये सारी स्किन इसको यूज़ कर सकती है ठीक है, है? फेस वॉश कर लिया उसके बाद हमें स्किन को अच्छे से बहुत हल्के हाथ से हल्के हाथ से टैप टैप करके पहुँचना है पूछने के बाद हमें क्या करना है हमें जो हम हंड्रेड परसेंट मिस करते हैं ठीक है बहुत बहुत बड़ा काम नहीं है यार ये विद इन फाइव मिनट्स में मुझे लगता है कि सारा कुछ हो जाता है बिल्कुल टाइम नहीं लगता ठीक है उसके बाद मैं जो यूज़ करती हूँ अपने फेस वॉश के बाद मैं यूज़ करती हूँ टोनर और टोनर में लेती हूँ ऐसा जो कि मेरी स्किन को हाइड्रेट भी करे साथ में थोड़ा सा ग्लो करे राइट ठीक है ऐसा आप चाहे तो गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं सबसे बेहतरीन होता है तो मैं यहाँ पर यूज़ करती हूँ गुड वाइब्स का कुकंबर ग्लो टोनर और ये बहुत ही अच्छा है यार बस इतना किया और आपकी स्किन को पूरा अच्छे से कर लीजिए मैंने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुकी हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी स्किन पे तो हो रहा है पहले से भी तो आप गुड वाइब्स का ग्लो टोनर यूज कर सकते हैं और उसके बाद आपको क्या करना है जब जब वो मतलब आप टोन कर लिया उसके बाद उसको थोड़ा सा उंगली से लाइक यू 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 करके या या ऐसे करके एक प्यार ऐसा प्यार देके अपनी स्किन को प्यार से उसको ऐसे ऐसे करके उसको ड्राई हो जाने दीजिए ड्राई होने के बाद उसके बाद जो मैं यूज़ करती हूँ वो यूज़ करती हूँ मामा अर्थ की स्किन ब्लैमिश क्रीम यार इट्स अ रियली गुड फॉर योर स्किन बहुत अच्छी है इवन ये शायद मेरा थर्ड है त... थर्ड ट्यूब है आई थिंक या राइट थर्ड है और ये भी खत्म ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है इसमें भी थोड़ी सी बची है और इसके बाद दूसरी भी मेरे को यूज़ करनी है वो भी मैं मंगा चुकी हूँ ऑलरेडी पहले ही तो गाइज़ आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं मामा अर्थ की बाय बाय ब्लैमिश विद मलबरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी इसके अंदर मलबरी एक्सट्रैक्ट है एंड विटामिन सी है तो आप बाय बाय ब्लैमिश की ये क्रीम यूज़ कर सकते हैं ठीक है पहला हमने फेस वॉश यूज़ किया दूसरा हमने टोनर यूज़ किया और तीसरा हमने बाय बाय ब्लैमिश की क्रीम यूज़ की ठीक है सिर्फ इन तीन चीज़ों से ठीक है वो तीन चीज़ें आप कोई भी रख सकते हो ऐसा नहीं है कि आपको यही खरीदना है आप मामाअर्थ का खरीदिए आप क्लीन एंड क्लियर खरीदिए आप जो भी आपको मैंने वो खरीदिए लेकिन ये रूटीन है इसको आपको यूज़ करना है तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको स्पेशली मैं कुछ और ख़रीदने को बोल रही हूँ कुछ ऐसा नहीं है आप वो खरीदिए और फिर आप देखिए कि सिर्फ पाँच दिन के बाद आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाती है ठीक है ये तो हो गया हमारा डे टाइम रूटीन ओके अब हम जाते हैं रात को सोते वक्त देखिए सोने वक्त का जो टाइम होता है ना उसको तो बिल्कुल स्किप मत करो यार बिल्कुल भी इसलिए क्योंकि क्या होता है कि पूरा दिन का जितना भी स्ट्रेस होता है हमारे फेस पर होता है ठीक है अब लेकिन रात का टाइम जो होता है ना वो टाइम हमारी स्किन को मिलता है जब वो आराम करती है और स्किन में जो भी छोटी चुट छोटी चुट छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो हो जाती हैं वो रात को हील करती है ठीक है तो रात वाला जो रूटीन है ना वो भी मेरा सेम है कुछ डिफरेंट नहीं है मैं जाकर फेस वॉश करती हूँ मामा अर्थ से देन उसके बाद फिर मैं टोन करती हूँ और वो टोनिंग के लिए मैं रात को थोड़ा सा अलग यूज़ करती हूँ क्योंकि क्या होता है ना कि विटामिन सी का जो टोनर होता है वो आ, मुझे लगता है विटामिन सी मॉर्निंग टाइम में आपको यूज़ नहीं करना चाहिए राइट तो इसलिए मैं विटामिन सी का जो ये स्पेशली मामा का टोनर है विटामिन सी फेस टोनर विद विटामिन सी एंड कोकम्बो ऑल्सो ओके तो ये मैं रात के टाइम यूज़ करती हूँ कॉटन पे लेती हूँ और फेस वॉश करने के बाद उसको अच्छे से ड्राई होने के बाद कॉटन पे लेने के बाद टैप 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 करके इस पूरी स्किन पे लगाकर और उसको फिर वही सेम रूटीन उसको सूखने दो सूखने के बाद उसके बाद मैं जाती हूँ अपनी बायोटिक की एडवांस आयुर्वेदिक क्रीम आयुर्वेद सॉरी बायो वेट ग्रैम है इसमें अन यूथफुल नरिश नाइट क्रीम ठीक है इस क्रीम को मैं रात के टाइम यूज़ करती हूँ यह है बायोटिक की और ये बहुत अच्छी है और सच में बहुत अच्छी है ऑनेस्टली गजब का ग्लो देती है स्किन पर रात को आप इसको पर इसको लगाने का एक तरीका है ना देखो जैसे आपने इसको स्मेल इज वेरी गुड इसको आपने लगा लिया जैसे आपने टैप टैप करके ऐसे लगा लिया और ऐसे करने के बाद ठीक है पर इसके बाद आपको क्या करना है ऐसे करने के बाद इसको ऊपर की सर्कुलर मतलब ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा मशाज करके फेस पर लगाइए राइट अब लगा लिया मैंने यार ठीक है और इसके बाद अब जो मैं नेक्स्ट में चाहती हूँ कि है ना जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊँ वो आप सभी के साथ की फेस आ, मास्क जो रूटीन में हमें शामिल करने होते हैं लेकिन हम नहीं करते हैं फेस मास्क और इसके अलावा इस स्क्रब वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में ओके तो जब तक के लिए बाय टेक केयर और अपना ख्याल रखिए और सबसे ज़्यादा अपने आप को खूबसूरत रखिए है। और हैप्पी रहिए है। ओके बाय लव यू ऑल